आपका इंतजार कर रही है। मैं जा रहा था, जो भैंस मैं चरा रहा था वो भैंस को आपको दिखाऊँ दूध पिला वगैरह वगैरह, लेकिन वक्त ही जिल्ला दामन भी, चूँकि लॉकडाउन के जो खदशात मंडला रहे हैं, घर सही सालिम पहुँच जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो वो बच्चा यहाँ पे आया है, आवाज़ बड़ी प्यारी है, मेहनत को जारी रखे तो मुमकिन है कि अपने इलाके की नुमाइंदगी दूर तक कर सकता है। और ऐसे ही बच्चे नाम रोशन करते हैं हम लोगों को। आज बहुत ज़माने के बाद एक बात बताते हैं रेहान साहब कि कभी अंजुमन में मदरसे के जो पढ़ा करता था बगैर माइक के और बच्चों के असातिज़ा के दरमियान जो निज़ामत करता था, पढ़ता था, या तकरीर करने वाले जो तकरीर करते थे, आज भी यानी वही मंजर जो है मनाजिर हमारे निगाहों के सामने हो गया था कि आज वो ज़माने दराज के बाद ये महफिल तो बड़ी बड़ी माइक के साथ साउंड के साथ स्क्रीन पर देखने को बहुत देखा, लेकिन इस तरह की महफिल बहुत कम जगह पर मिलती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो आइए आपके हवाले, मैं मुजाहिदुल इस्लाम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो बेहतरीन कलाम हो किसी एक कलाम का इंतखाब करें, क्योंकि मेरी भी जिसमें भी बाकी है गुजारना चाहता हूँ और तमाम लोग भी सुनना चाहते हैं, चूँकि हजरत मौलाना कारी जमील साहब कासिम जिंदौरी को सुनना है जो उनका पुरमख बयान होगा कुरान व हदीस की रोशनी में। मैं बड़े अदब के साथ मुजाहिदुल इस्लाम से गुजारिश कर रहा हूँ राजा हमसे और अपने कलाम से बहुत अच्छी निज़ामत है मुजाहिद जी हबीबी का, बहुत अच्छी निज़ामत है मुजाहिद जी हबीबी का, प्यारी माँ प्यारी माँ प्यारी माँ तेरी सफाई से तो डर लगता है, प्यारी माँ प्यारी माँ प्यारी माँ तेरी सफाई से तो डर लगता है, आपके दम से ही जन्नत मेरा घर लगता है, आपके दम से ही जन्नत मेरा घर लगता के छोटी सी उम्र में शोहरत जो मिली है हमको, छोटी सी उम्र में शोहरत जो मिली है हमको, ये तो हक है के दुआओं का असर लगता है। अच्छा है मुजाहिद, अच्छा है, खत्म हो गई जिंदगी, ये ऐसा एरिया में मदनी नेटवर्क काम करता है, मोदी नेटवर्क काम नहीं करता है, अब खुल के पढ़ो एकदम। अब आइए मैं जिसको अक्सर सुन सुन के सिखाऊं, दादू शेहान साहब, अदर शोरा करम, इंशाल्लाह दादू भाई भी नाम देंगे, इंशाल्लाह आइए आजाद देंगे का हिमायत कैसे करते हैं,
बगावत कैसे करते हैं, हिमायत कैसे करते हैं, बगावत कैसे करते हैं, जरा सिद्दीक से पूछो इताअत कैसे करते हैं, जरा सिद्दीक से पूछो इताअत कैसे करते हैं, ये कुर्सी पाके आपस में जो दंगे कराते हैं, ये कुर्सी पाके आपस में जो दंगे कराते हैं, उमर फारूक से सीखो हुकूमत कैसे करते हैं, फारूक से सीखो हुकूमत कैसे करते हैं। आइए हजरात चंद्रशेखर पढ़ के अपना जगह लूंगा, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कुछ दिन पहले आप वीडियो देखे होंगे, एक गुस्ताखे नबी जिसने 26 आयत हटाने की बात कर रहे, मैं मुनासिब नहीं समझता उस शख्स का नाम लूं, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि कुत्ते से हालत बदतर तेरी है, सबको बताना चाहिए, कुत्ते से हालत बदतर तेरी है, सबको बताना चाहिए, उंगली उठाए बदतर तेरी है, सबको बताना चाहिए। और एक शेर है, ये मुल्क जमहूरी है लेकिन किसी मजहब के खिलाफ कोई बोलता है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, शेर सुनिएगा, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि उंगली उठाए कुरान पे गर्दन उड़ाना चाहिए, के मुल्क जमहूरी है फिर क्यों से, ये मुल्क जमहूरी है फिर क्यों हम डरे ललकार से, इस तरह की बातें कमजोर मेरा